नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राशन कार्ड की लिस्ट 2022 की। जो राशन कार्ड लिस्ट यहां पर जारी की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, आप उसमें अपना नाम कैसे देख सकते हैं। आप ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से हों, यूपी से हों, दिल्ली, चाहे किसी भी राज्य से हों, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, चाहे किसी भी राज्य से हों, आप अपना नाम घर बैठे मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं। ए टू जेड पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। और साथ में, जैसा कि आप सभी लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था कि सर इसमें अपना नाम हम कैसे जोड़ सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं लास्ट में यहाँ पे बताऊंगा आपको कि आप अपना लिस्ट में नाम कैसे जोड़ सकते हैं, या आप अपना घर के किसी भी सदस्य का घर बैठे यदि आपका जो राशन कार्ड है उसमें किसी का नाम कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ए टू जेड पूरी जानकारी यहाँ पर वीडियो में देने वाले हैं साथियों, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार आप मोबाइल से घर बैठे राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम और अपने परिवार वालों का नाम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कि आपके गाँव में कितने लोगों का नाम राशन कार्ड में है, या आपके गाँव में लिस्ट में किन किन लोगों का घर के यहाँ पे राशन कार्ड का फ़ायदा उठाते हैं, तो आप देखना चाहते हैं, या अपने घर का किसी का चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है। खाद्य विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ऑनलाइन सभी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती है। इसमें आपको ग्रामीण और शहरी राशन कार्ड की लिस्ट देख सकते हो, लेकिन अधिकांश लोगों को लिस्ट की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में नहीं पता होता है। तो आज हम आपको आसान स्टेप में और बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं कि आपको ऑनलाइन कैसे आप लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। तो आपको आगे बताते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना होता है। जो इसकी वेबसाइट है उस पर सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप जो है इसका, उसमें आपको जाना होता है, जो कि है nfsa.gov.in पे। आपको गूगल में जाकर सिंपली टैप करना है, या गूगल क्रोम में आपको जाकर सिंपली टैप करना है nfsa। आप यहाँ पर देख सकते हैं nfsa.gov.in टाइप करना है, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप nfsa पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, और नया पेज ओपन होने के बाद राशन कार्ड की वेबसाइट खुलने के बाद स्क्रीन पर अलग अलग विकल्प आपको दिखाई देते हैं वहाँ से। तो अगर अपने गाँव का आप राशन कार्ड की लिस्ट देखना चाहते हैं तो इसमें आपको राशन कार्ड विकल्प को चुनना होगा। यहाँ पे आपको राशन कार्ड विकल्प जैसे ही चूज करेंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा राशन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टल को सिलेक्ट करना है। राशन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टल को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने नया पेज यहाँ पे ओपन होना शुरू हो जाएगा। राशन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टल पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने रहेगा। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार का कुछ इंटरफेस नया पेज आपके सामने ओपन होने लगेगा। और स्टेप थ्री में आपको क्या करना है, अब स्क्रीन पर भारत के सभी राज्यों का नाम आपको दिखाई देने लगेगा, और आपको क्या करना है कि जिस भी राज्य से आप हैं उसका नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे हमने बता रखा है, कुछ इस प्रकार आपके सामने, जैसे कि आंध्र प्रदेश, किसी भी राज्य, जिस भी राज्य से आप चेक करना चाहते हैं उस राज्य वाले पे आपको क्या करना है कि सिंपली टच कर देना है जिस भी राज्य से आप हैं। तो यहाँ पे राज्य का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने स्टेप फोर में आपको जिला का नाम अपने चूज करना है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट है। राज्य का नाम सिलेक्ट करने के बाद उस राज्य में जितने भी ज़िले होंगे उसकी लिस्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएगी, और आपको वहाँ से क्या करना है कि अपना एक नाम सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्टेट सेलेक्ट किया था, उसके बाद यहाँ पे जिला अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आप ग्रामीण या शहरी क्षेत्र को चुनना होगा। अर्बन और रूरल यहाँ पे दिया रहेगा, आपको वो सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अर्बन चाहे इस प्रकार का कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि क्षेत्र सिलेक्ट करने के बाद आपको क्षेत्र दिया जाएगा। क्षेत्र सिलेक्ट करने के बाद आपके द्वारा सिलेक्ट किए जिले के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक का नाम दिखाई देगा आपका। तो यहाँ पर आपका ब्लॉक का नाम यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, और ब्लॉक का नाम आपको सिलेक्ट करना है। ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का रहेगा, ब्लॉक आप सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको अपने पंचायत का नाम चुनना है, तो पंचायत का नाम चुनने के बाद यानी जो आपके गांव का नाम है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार का, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बिल्कुल भी मैं आसान स्टेप में आपको स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूँ किस प्रकार एकदम सिलेक्ट करना है। तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आठवें में आपको अपना नया पंचायत का चुनने के बाद अपने गांव का नाम सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपने गाँव का नाम सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ जो एरो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप किसी भी गाँव के हों आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही तो आपके सामने, जैसे ही गाँव सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आपके जो लिस्ट है गांव की वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे अपने गांव का नाम सिलेक्ट करेंगे, स्क्रीन पर आपके गांव के सभी राशन कार्ड धारकों की लिस्ट यहाँ पे खुल जाएगी।
और इसमें राशन कार्ड नंबर, प्रकार एवं हितग्राही का नाम दिया रहेगा। यहाँ पे आपके राशन देख सकते हैं। तो आप स्टेप बाई स्टेप मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपको किस प्रकार सिलेक्ट करना है। बिल्कुल भी आसान भाषा में मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेकर के एक एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को समझा दी है कि किस प्रकार यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न यही आ रहा था कि सर हम घर बैठे अपने नाम कैसे चेक कर सकते हैं। और साथियों यदि आप लोग चाहते हो कि मैं ये वीडियो बना दूं कि इस पर किस प्रकार आप लोगों को अप्लाई करना है, घर बैठे आप लोग मोबाइल से कैसे यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार आप घर बैठे अपने राशन कार्ड में अपना नाम जोड़ सकते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पे उम्मीद करते हैं जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने गांव का राशन कार्ड लिस्ट में नाम कैसे दे सकते हैं इसकी जानकारी पूरी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सरल भाषा में बिल्कुल बता दिया है। अब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति या कोई भी किसान भाई घर बैठे जो मोबाइल चलाता है, वो अपने गाँव का राशन कार्ड लिस्ट में नाम चेक यहाँ पर कर पाएगा। और अगर आपको इसमें किसी तरह की परेशानी आया, राशन कार्ड से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम बहुत जल्दी आपको रिप्लाई वहाँ पे कर देते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो चाहिए कि आप लोग ऑनलाइन लिस्ट में नाम कैसे जोड़ सकते हैं, तो इस पर कमेंट कीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।